वेलकम। आज मैं आपके लेकर आई हूँ एक न्यू रेसिपी, एग फ्राइड राइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के दिए आइकन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आधा किलो बनस्पती चावल लिए हैं, आप अपने मेजरमेंट्स के हिसाब से भी ले सकते हैं। 300 ग्राम चिकन ली है बोनलेस क्यूब्स में कट की हुई, 2 अदद अंडे ले लिए हैं, 2 मीडियम साइज की शिमला मिर्च ले ली थी जिसको मैंने जूलियन कट कर लिया है, और 2 मीडियम साइज की गाजरें ले ली थी इसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया है, और आधी बंद गोभी ली है इसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया है। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ले लिया है, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर लिया है, 1 टीस्पून सफेद गोल मिर्च पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ले ली है, 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन ले लिया है। नमक हसबे जायका, सब्जियों में नमक अलग डलेगा और चावलों में अलग। 2 टेबलस्पून विनेगर ले लिया है और 2 टेबलस्पून सोया सॉस ले लिया है। सबसे पहले जो मैंने 2 अदद अंडे लिए थे इसके अंदर मैंने चुटकी भर नमक शामिल करा है और ऑरेंज फूड कलर, इसको मैं फेंट लूंगी। यहाँ पर मैंने अंडा फेंट लिया है, 4 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है अंडा फ्राई करने के लिए। सबसे पहले मैं अंडा फ्राई कर लूंगी। अंडा अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं इसको साइड में निकाल कर रख दूंगी। अब इसी कढ़ाई के अंदर मैंने 1/2 कप ऑयल शामिल करा है, और ऑयल शामिल करने के बाद जो मैंने 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन लिया था वो मैंने शामिल कर दिया है, और लहसुन को जब तक फ्राई करूंगी जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब जो मैंने चिकन ली थी वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करूंगी। इस पॉइंट पर चिकन को अच्छे से फ्राई कीजिएगा ताकि इसके अंदर से कोई स्मेल ना आए। चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने 2 टेबलस्पून विनेगर लिया था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, और 2 टेबलस्पून सोया सॉस लिया था वो भी मैं इस पॉइंट पर ऐड कर दूंगी। सोया सॉस डालने के बाद जो 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ली थी वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी, और कुटी लाल मिर्च के बाद हसबे जायका नमक शामिल कर दूंगी, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद पकने के लिए रख दूंगी कवर कर जब तक कि चिकन अच्छे से गल ना जाए और इसका जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए। पानी खुश्क हो गया, आप देख सकते हैं सिर्फ ऑयल रह गया है। चिकन अच्छे से गल गई है, इसको मैं एक दफा मिक्स करूंगी, और मिक्स करने के बाद जो मैंने सब्जी ली थी वो मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। सबसे पहले मैंने शिमला मिर्च शामिल करी है। शिमला मिर्च को मैं 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लूंगी। सौते करने के बाद मैं इसको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कवर करके रखूंगी। 2 मिनट हो गए हैं, शिमला मिर्च अच्छे से सौते हो गई है। अब मैं इसको एक दफा मिक्स करूंगी, और मिक्स करने के बाद जो मैंने गाजरें ली थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और इसको भी मैं इसी तरीके से मिक्स कर लूंगी। गाजर शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर बंद गोभी शामिल कर दूंगी, और इसी तरीके से मैं सारे वेजिटेबल को मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कवर करके रख दूंगी। 3 मिनट हो गए थे, अब मैं इसको एक दफा मिक्स करूंगी और फ्लेम ऑफ कर दूंगी। यहाँ पर मैंने चावलों को 5 मिनट पानी में सोक कर लिया था बॉईल करने से पहले।
यहाँ पर पानी बॉईल हो गया है, अब मैं चावलों को बॉईल कर लूँगी और उसके अंदर हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर दूँगी। नमक आप हसब जायका भी ले सकते हैं, चावलों पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से अपने चावलों को सोक कीजिएगा पानी में। नमक डालने के बाद यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है ताकि चावल शाइनी हो और आपस में जुड़े ना। चावलों को आपने फुल बॉईल करना है, जैसे कि हम बिरयानी में एक कनी छोड़ देते हैं ऐसा नहीं करना है, आपने फुल बॉईल करना है। अब मैं बॉईल करके चावल सब्जियों में शामिल कर दूंगी कुछ इस तरीके से। और चावल डालने के बाद जो मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया था वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर और 1 टीस्पून ही सफेद गोल मिर्चों का पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और सबसे एंड में जो हमने अंडा फ्राई कर कर रखा था वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी, और शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। ये बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है क्विक बनने वाली, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर दीजिए। हमारे एग फ्राइड राइस तैयार हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, जब तक लिए अल्लाह हाफिज।